हेलो दोस्तों, मैं अरमान विनिंग व्हील से। आज चालू हम करते हैं घातांक करनी में क्या करते हैं पार्ट थ्री के अंदर, देखते हैं। लास्ट हमने सीखे थे रूट थ्री और रूट टू को हल करना। आज हम सीखेंगे कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन जिसमें डबल एक्स आते हैं, जैसे है रूट थ्री प्लस में रूट टू, या फिर कुछ ऐसे दे दिया गया है आपको टू प्लस में रूट थ्री। तो देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल कर सकते हैं। इनको हल करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें सीखते हैं। देखिए, आज हम एक छोटा सा फॉर्मूला करेंगे जो है a प्लस बी, और ये है a माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूले की पहचान कोई कठिन नहीं है, दोनों तरफ एक जैसे डिजिट लिखी हो, ए ए बी बी, सिर्फ आपके निशान अलग होने चाहिए। अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस होना चाहिए। जैसे कि एक डिजिट है रूट थ्री प्लस में रूट टू, या आप कह सकते हैं रूट थ्री माइनस रूट टू। तो मैं देखता हूँ कि दोनों बिल्कुल सेम है, रूट थ्री रूट टू रूट थ्री रूट टू, सिर्फ एक फ़र्क है, वो है प्लस का और माइनस का। तो इसका मतलब रूट थ्री हुआ आपका a और रूट टू हुआ आपका b। और फॉर्मूला कहता है कि a का स्क्वायर, a के स्क्वायर का अर्थ है यहाँ पर रूट थ्री का स्क्वायर, और b का स्क्वायर का अर्थ है रूट टू का स्क्वायर। तो हम पिछली क्लास में देख चुके हैं रूट थ्री का अर्थ है कि रूट थ्री को आप दो बार लिखेंगे इस प्रकार से, और रूट टू का अर्थ है कि रूट टू को आप इस प्रकार से दो बार लिखते हैं। तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि जब दोनों एक जैसे होते हैं तो रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री जो होता है 9, और 9 का मतलब होता है 3, तो आप 3 ले लेते हैं और ये 2, तो घटा करने पर मिलता है आपको 1। इसी प्रकार से और क्वेश्चन देखते हैं करके, जैसे कि लिख दिया गया है रूट फाइव कटा रूट टू, रूट फाइव घटा जमा सॉरी रूट टू। तो यहाँ पे देखते हैं क्या सेम है, रूट फाइव रूट टू, रूट फाइव रूट टू। जी हाँ, सिर्फ एक डिफरेंस होना चाहिए कि ये प्लस का हो या माइनस का। अगर ये माइनस का है तो ये प्लस का हो। तो यहाँ पर ए है आपका रूट फाइव, बी है रूट टू। तो लिखा हुआ है ए का स्क्वायर यानी कि रूट फाइव का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि रूट टू का स्क्वायर। तो अभी पीछे हमने देखा था रूट फाइव को आप जब रूट फाइव से करेंगे तो आप आते हैं सिर्फ फाइव, माइनस रूट टू को जब आप रूट टू से मल्टीप्लाई यानी कि करनी दो भी कह सकते हैं आप हिंदी में, यदि करनी दो को करनी दो से करते हैं तो 4 आता है, और 4 का अर्थ है 2, 5 में से 2 गया तो आपको मिलता है 3। इसके हम एक दो क्वेश्चन और देखेंगे ताकि ये कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो सके। मेरा कराने का मकसद आपको यही है कि जो मैं यहाँ पर कराता हूँ अगर आप उसे एक या दो बार रिपीट करके देखते हैं तो शायद आपको घर पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं पर सीखेंगे और करेंगे। अगला क्वेश्चन है रूट सेवन माइनस रूट थ्री, यहाँ प्लस ले लेते हैं इस बार हम, और इधर है रूट सेवन माइनस रूट थ्री। क्या दोनों सेम हैं, रूट सेवन रूट थ्री रूट सेवन रूट थ्री, हिंदी बोलेंगे करनी सात करनी तीन करनी सात करनी तीन। जी हाँ, लेकिन क्या फ़र्क है ये जमा का या घटा का। तो जब ऐसा होता है तो हमेशा a का स्क्वायर जो कि a है आपका रूट सात, b है आपका रूट तीन। तो अभी हमने सीखा इसको जब दो बार करेंगे तो इसका अर्थ है इसमें से आएगा 7, इसमें से आएगा आपका 3, और 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा आपका 4। इस प्रकार से आप
पर्सन को बड़ी इजीली हल कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, अगर संख्या कुछ अलग तरह से दे दी जाए तो आप किस प्रकार से हल करते हैं। यदि आपको दिया जाता है 2 + √3, 2 - √3, तो इसे कैसे करते हैं? पहले तो देखिए क्या दोनों एक जैसे हैं। 2 + √3, 2 - √3, दोनों में 2 है, दोनों में रूट थ्री है, सिर्फ निशानों का फ़र्क है। तो ऐसे में आप वही लगाएंगे, a + b, a - b, a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर। इसका मतलब है 2 को आप 2 से गुणा करेंगे जो कि 4 आएगा, और √3 यानी कि करनी 3 को करनी 3 से करेंगे जो कि 3 आएगा। 4 में से 3 गया तो क्या बचेगा आपके पास? 1। इसी प्रकार का एक अन्य क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। जैसे लिखा है कि 3 + √7, ये ज़रूरी नहीं है कि आगे प्लस हो, आगे माइनस भी होगा तो भी दिक्कत नहीं है, परंतु जो यहाँ लिखा है वह आगे भी लिखा हो, संख्याएं सेम हो बट निशान अलग अलग हो। तो 3 3, √7 √7 यानी कि करनी 7। अब आप पाएंगे यहाँ पे a है 3, b है √7, तो इसका अर्थ है 3 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। इसका अर्थ है 3 को 3 से करेंगे तो 9 आएगा, √7 को करेंगे तो 7 आएगा, और ये आ गया आपका आंसर। अब आप सोचेंगे सर इसका आगे क्या प्रयोग है, तो आज हम इनको गुणा करना सीखा है फॉर्मूले के हिसाब से, तो अभी हम जो आगे परिमेयीकरण करेंगे उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूप निभाएगा। चलिए इसे मिटाते हैं और अपने टॉपिक परिमेयीकरण पे वापस आते हैं। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है कुछ इस प्रकार से, 1 / √3 + √2, तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। परिमेयीकरण का नियम है, जो नीचे लिखी संख्याएं हैं, अभी हमने पीछे एक संख्या का करा था, अब 2 आ गई हैं, तो आप दोनों संख्याएं इधर लिखेंगे, परंतु जो जमा का निशान है वो घटा का हो जाता है। यदि इधर घटा का निशान होगा तो जमा का, एक बार ऊपर लिखेंगे एक बार नीचे, यानी कि इसका अर्थ है कि नीचे वाले हर यानी कि डिनोमिनेटर से ही आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, नीचे वाले हर से ही गुणा भी कर रहे हैं और भाग भी कर रहे हैं। इस एक का अर्थ है ये सबसे गुणा हो रहा है, तो एक को ऐसे लिखें। ऐसे एक लिखना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं तो इसलिए ये ज़रूरी है। फिर द्वारे वही फॉर्मूला बन गया है, √3 + √2, √3 - √2, तो यानी कि ये आपके a हो गए, ये b, ये a - b, तो इसका फॉर्मूला आपको पता है। इसके लिए कोई पहचान कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है। दोनों में सेम संख्याएं होनी चाहिए, जैसे लिखी हैं √3 √2 √3 √2, सिर्फ निशान अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप लिखेंगे √3 - √2। अब एक को आप नहीं लिखना चाहते हैं तो नहीं लिखें, क्योंकि पेपर में जो आंसर होता है उसमें एक नहीं लिखा होता। 3 को 3 से करेंगे तो 3 मिलेगा, 2 को 2 से करेंगे तो 2 ही मिलेगा। तो एंड में अगर आप देखेंगे, अच्छा यहाँ पर हम देखेंगे कि √3 है, ये √2 है, तो ये घटा भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पिछली क्लास में सिखाया था, अगर कुछ बच्चों ने नहीं देखी है तो आप हमारा घाताएँ करने का लेसन नंबर 1 देख सकते हैं, कि ये 3 है और ये 2 है, तो ये जमा नहीं हो सकते, जबकि करनी सेम है, तो ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। इसी प्रकार से आगे देखते हैं हम, ऐसे 2-3 क्वेश्चन और करेंगे ताकि और अच्छा हाथ हो जाए। जैसे कि आगे लिखा हुआ है आपका 4 √5 घटा में √3, इसको देखते हैं किस प्रकार से हल करेंगे।
तो पहले आप जो चार है उसको ऐसे का ऐसे लिखें, उसके नीचे रूट पाँच घटा में रूट तीन। अभी हमने सीखा था जब हम परिमेयीकरण करते हैं तो नीचे वाले हर को दो बार लिखते हैं, परंतु जो निशान घटा का है वो जमा का हो जाता है, तो यहाँ पर घटा था तो इसलिए मैंने जमा लगाया दो बार। अब इसका मतलब है ये जो चार है ये मल्टीपल हो रहा है इस पूरे यानी कि रूट पाँच जमा में रूट तीन से, और नीचे वाला देखें तो फिर दोबारे रूट पाँच रूट पाँच रूट तीन यानी कि करनी पाँच और करनी तीन दो बार आ रहा है, परंतु दोनों के अंदर निशानों का फ़र्क है, तो ऐसे में हम लगाते हैं ए का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर यानी कि रूट पाँच का स्क्वायर माइनस रूट तीन का स्क्वायर। तो इस चार को आप ऐसे का ऐसे लिखें। अगर कुछ विद्यार्थियों के मन में ये आशंका आ रही है कि सर इसको हम अंदर गुणा कर देते हैं, तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि अंदर गुणा करने के बाद हमें फिर कॉमन निकालना पड़ता है, क्योंकि जो आपका आंसर होता है वो सबसे शॉर्टेस्ट कॉमन के बाद आता है, तो इसको अब अभी हम गुणा नहीं करेंगे। ये हो गए पाँच, क्योंकि जब करनी यानी कि रूट को पाँच को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे रूट पाँच को, रूट पाँच से मैं दिखा देता हूँ अगर आप भूल गए हो तो, रूट पाँच गुणा में रूट पाँच, इसी प्रकार से रूट तीन गुणा में रूट तीन, तो ये पाँच मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा आपको तीन। तो फिर दोबारा चार ऐसे का ऐसे लिखें, रूट पाँच जमा में रूट तीन, और पाँच में से जब तीन जाएगा तो आपका बचेगा दो। तो क्या दो और चार किसी पहाड़े में आते हैं? हाँ ये आते हैं, दो एक नंबर पे आता है दो के पहाड़े में, और दो के पहाड़े में चार दो नंबर पे आता है, तो एंड में आंसर हमारे पास आ गया है दो रूट पाँच जमा में रूट थ्री, जो इसका आंसर है। अब इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं जो अंतिम क्वेश्चन होगा। अगर इसके बाद भी किसी विद्यार्थी के मन में संदेह आता है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकता है। जैसे कि अब हम करते हैं सिक्स, और नीचे लिखा हुआ है आपके पास थ्री प्लस में रूट फाइव। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं देखते हैं करना। पहले सिक्स लिखें, यहाँ पर कोई ये एक नई चीज़ नहीं आ गई। अब आपके मन में आएगा सर वहाँ तो रूट थ्री था वहाँ रूट था, ये एग्जामिनर के ऊपर है वो कैसा क्वेश्चन देता है, आपको सभी प्रकार का आना चाहिए, पर उसी का ये एक टाइप है या उसी का एक क्वेश्चन कह सकते हैं। तो जो हर है यानी कि थ्री प्लस रूट फाइव को दो बार लिखें, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो इस सिक्स की मल्टीप्लाई इस थ्री से भी है और इससे भी है, तो यानी कि दोनों से है, इसलिए मैं इसे ब्रैकेट्स में लेना पसंद करूंगा। और यहां पे आप देखेंगे फिर दोबारे ये ए हो गया और ये बी हो गया है, यानी कि अगर आप देखें तो ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये ए ये बी, तो यहाँ मामला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। पहचान बता चुके हैं, दोनों सेम होना चाहिए, बस बीच में प्लस और माइनस का ही फर्क होता है। तो यहाँ पर आ गया थ्री का स्क्वायर माइनस रूट फाइव का स्क्वायर, इसको ऐसे लिखेंगे सिक्स का सिक्स थ्री माइनस रूट फाइव। इसका मतलब है थ्री की मल्टीप्लाई थ्री से करनी है। स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि तीन का पहाड़ा दो तक पड़े, नहीं, इसका मतलब है तीन का पहाड़ा तीन तक पड़े, यानी कि तीन को दो बार गुणा करें। तीन को जब तीन से करेंगे तो मिलेगा नौ, मैं लिख देता हूँ अगर ध्यान ना हो तो तीन गुणा तीन। इसी प्रकार इसको दो बार, अब इसको जब करेंगे करनी पाँच को करनी पाँच से तो सिर्फ पाँच ही मिलेगा, सॉरी ये आ चुका है आपका नौ माइनस में पाँच सिक्स थ्री माइनस रूट फाइव। तो नौ में से जब पाँच जाएंगे तो आपका बचेगा चार। तो क्या छः और चार किसी पहाड़े में आते हैं? जी हाँ, दो के पहाड़े में ये आते हैं तीन नंबर पे, ये आते हैं दो नंबर पे। तो आपके पास बचा क्या?
तीन, नीचे दो, थ्री माइनस रूट पाँच, ये है इसका आंसर। ऐसे तो मैं उम्मीद करता हूँ सबको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी अगर कहीं लगता है समझ में नहीं आया है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, क्योंकि आपके लिए सदैव विनिंग व्हील तैयार है।